यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने शुक्रवार को परीक्षा परिणाम घोषित किया, जिनमें राजस्थान के दो होनहार कनिष्ठ कटारिया और ऑल इंडिया में पहली बार अक्षत जैन ने दूसरी रैंक हासिल की। ये दोनों टॉपर जयपुर के ही रहने वाले हैं और आईएएस टॉपर कनिष्ठ कटारिया के पिता सावरमल वर्मा राजस्थान में ही आईएएस पद पर कार्यरत है, जबकि इनके ताऊजी केसी वर्मा भी आईएएस हैं। वे जयपुर के संभागीय आयुक्त हैं और कनिष्क ने पहले प्रयास में ही आईएएस में टॉप करने का गौरव हासिल किया। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और साथ ही यूपीएससी में उनका वैकल्पिक विषय गणित था। वो करीब 1.5 साल तक सैमसंग कंपनी में कोरिया में जॉब भी कर चुके हैं। मैं पूरा मेरे पेरेंट्स को और मेरी फैमिली को देना चाहूँगा जिन्होंने फुल टाइम सपोर्ट करा इस एग्जामिनेशन में, एंड लास्ट 2 ईयर्स काफ़ी हार्डवर्क करा है, उसी के रिजल्ट मिला है तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। आगे जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज, उनको किस बार मोटिवेट करना चाहोगे, क्या कुछ उनको संदेश देना चाहोगे इसको लेकर? लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि खुद के ऊपर बिलीफ होना चाहिए एंड किसी और को फॉलो करने की जगह खुद के प्रोसेस के ऊपर अगर कोई बिलीव करके फॉलो करेगा तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एंड क्लियर माइंड से अगर एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे विदाउट एनी बर्डन कि यूपीएससी इज़ एवरीथिंग, अगर वैसे करेंगे तो फिर लोगों का खुद का परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होगा। इफ़ लोग एग्जाम पे फोकस करेंगे एंड केवल अपनी प्रोसेस फॉलो करेंगे तो क्लियर माइंड से एग्जाम देंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, आईएएस टॉप क्या है तो आगे कौन सा कैडर चूज करना चाहोगे विशेष तौर से? जी, मैं राजस्थान कैडर को अभी टॉप पे रखा है तो सर्विस अलॉटमेंट के बाद में होपफुली मिली जाए और उसमें राजस्थान में तो फिर जैसी सर्विस मिलेगी उसके हिसाब से देखेंगे। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।